आज मैं लाया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो यूट्यूब पर नहीं है, यानी आज मैं आपको सिखाऊंगा एक दिलचस्प टॉपिक जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्वाइट अ फ्यू, क्वाइट अ लॉट और क्वाइट अ बिट में क्या फर्क है, यानी कैसे समझे कि कब हमें कहना है क्वाइट अ फ्यू, क्वाइट अ लॉट, क्वाइट अ बिट। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सभी का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, यानी अ लार्ज अमाउंट ऑफ या अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ। जैसे अगर आपको कहना हो कि आज मेरे पास बहुत काम है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव क्वाइट अ बिट ऑफ वर्क टुडे, यानी आज मेरे पास बहुत काम है। अगर आपको कहना हो कि मेरे पास बहुत कलमे हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव क्वाइट अ फ्यू पेन्स, यानी मेरे पास बहुत कलमे हैं। अगर आपको कहना हो कि मेरे पास बहुत टाइम है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव क्वाइट अ बिट टाइम, यानी मेरे पास बहुत टाइम है। अगर आपको कहना हो कि मेरे पास बहुत घोड़े हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव क्वाइट अ फ्यू हॉर्सेज, यानी मेरे पास बहुत घोड़े हैं। तो फ्रेंड्स आपने सीखा कि इनका मीनिंग होता है बहुत। अगर हम बात डिफरेंसेस की करें तो क्वाइट अ बिट का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, और अगर हम बात क्वाइट अ फ्यू की करें तो क्वाइट अ फ्यू का यूज आप काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। जैसा कि अगर आप इन एग्जांपल्स पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि मैंने क्वाइट अ बिट का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया, जबकि क्वाइट अ फ्यू का यूज मैंने काउंटेबल नाउन के साथ किया। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि क्वाइट अ लॉट का क्या इस्तेमाल है, तो मैं आपसे कहूंगा कि क्वाइट अ लॉट का यूज आप दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, चाहे आपका नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, आप क्वाइट अ लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत पानी है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव क्वाइट अ लॉट वाटर, यानी मेरे पास बहुत पानी है। यहाँ मैंने बोला एक अनकाउंटेबल नाउन, आइए एक एग्जांपल काउंटेबल नाउन वाला भी देख लें। मेरे पास बहुत किताबें हैं तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव क्वाइट अ लॉट बुक्स, यानी मेरे पास बहुत किताबें हैं। यहाँ मैंने बोला एक काउंटेबल नाउन। तो फ्रेंड्स आपने देखा क्वाइट अ लॉट का इस्तेमाल आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन के साथ कर सकते हैं, जबकि क्वाइट अ बिट का यूज आप सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ और क्वाइट अ फ्यू का यूज आप सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। आइए फ्रेंड्स क्वाइट अ बिट और क्वाइट अ लॉट का एक और मीनिंग समझें। क्वाइट अ बिट और क्वाइट अ लॉट का एक और मीनिंग होता है, वो है अक्सर, यानी कई बार हम अपने कन्वर्सेशन के दौरान कहते हैं अक्सर, तो वहाँ पर हम क्वाइट अ बिट या क्वाइट अ लॉट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलते हैं। जैसे क्या आप यहाँ अक्सर आते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डू यू कम हियर क्वाइट अ बिट या डू यू कम हियर क्वाइट अ लॉट। क्या आप अक्सर इंग्लिश बोलते हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश क्वाइट अ बिट या डू यू स्पीक इंग्लिश क्वाइट अ लॉट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने बात समझा कि क्वाइट अ बिट या क्वाइट अ लॉट का एक मीनिंग अक्सर भी होता है, यानी ऑफन के जगह पर आप क्वाइट अ बिट या क्वाइट अ लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि क्वाइट अ फ्यू, क्वाइट अ बिट और क्वाइट अ लॉट क्या है। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।